कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी और क्यू का था वो यू और वी था रिस्पेक्टिवली, और ये किस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है हमसे ये पूछा गया था। पोजिशन वैक्टर जो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये चेंज इन पोजिशन वैक्टर है। अब पोजिशन वैक्टर के चेंज का मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, आर टू फाइनल है, आर वन इनिशियल है। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं दो वो पी और क्यू हैं। अब P हमारा पॉइंट इनिशियल है और जो Q पॉइंट है वो क्या है, वो फाइनल है। तो P पॉइंट और Q पॉइंट ये हमारे पास दो पॉइंट्स थे, P हमारा पॉइंट इनिशियल है और Q पॉइंट फाइनल है। तो हमने कैलकुलेट करना है कि डिस्प्लेसमेंट को, तो डेल्टा R इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन। इस डेल्टा R को मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू की फॉर्म में, और ये पी क्यू क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, मीन्स Q का पोजिशन वैक्टर माइनस P का पोजिशन वैक्टर। अब ओ क्यू जो है, जो ओ क्यू का पोजिशन वेक्टर वो क्या है, वो वी है, और जो पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर है वो क्या है, वो यू है। तो क्या हमारे पास इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा वी माइनस यू। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, और जिसकी ऑप्शन क्या थी, चार डी।